यार 2023 शुरू तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हुआ था, लेकिन एक झटके में आधा खत्म भी हो गया है। और इस दौरान हम मूवी लवर्स के लिए सिर्फ एक चीज कांस्टेंट रही है, और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो आज इसी एंटरटेनमेंट को फ्रेश फील देने के लिए मैं लेकर आया हूं टॉप 7 वो इंडियन वेब सीरीज जिन्हें अगर तुमने मिस किया तो फिर तुम्हारा जीना ही व्यर्थ है। 2023 की बेस्ट इंडियन वेब सीरीज का ये है सेकंड पार्ट, जिसमें हम इस साल के सेकंड क्वार्टर को कवर करेंगे, यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2023 के बीच रिलीज हुई सारी अमेजिंग सीरीज इस वीडियो में कवर की गई हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज की ये राइड शुरू करते हैं। नंबर 7 पर राजस्थानी बैकड्रॉप में सेट एक ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें वो असली थ्रिल वाला किक है भी और नहीं भी। मई 2023 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई धाड़ एक मिस्टीरियस स्टोरी हमारे सामने रखती है। एक ऐसा सीरियल किलर है जो बहुत ही पर्सनल मोटिव्स के साथ मर्डर करता है। अब एक दबंग पुलिस ऑफिसर अंजलि 27 मिसिंग विमेंस का केस इस सीरियल किलर के केस से जोड़ती है, तब असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। देखो, इस सीरीज के इंटेंशन तो सही है और स्टोरी भी इसने बहुत सही पकड़ी है, लेकिन इसकी पेस बहुत स्लो है और एंड में क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं है। तो बस ये दो पॉइंट्स आपको इग्नोर करने होंगे, बाकी इस सीरीज की ग्रेट कास्ट और उनकी परफॉर्मेंसेस एकदम बेहतरीन मिलेंगी आपको। सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देवैया, विजय वर्मा और सोहम शाह सभी एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है और इनकी परफॉर्मेंसेज ही हैं जो आपको एंड तक बने रहने पर मजबूर करती है। तो स्पेशली हिंदी क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए ये सीरीज प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 6 पर एक फेमस हॉलीवुड रीमेक का सेकंड पार्ट है, द नाइट मैनेजर पार्ट 2। इस इंडियन रीमेक का फर्स्ट पार्ट फरवरी 2023 में ही रिलीज हुआ है और इंडियन व्यूअर्स ने इसे काफी पसंद भी किया। शायद इसीलिए बहुत जल्द ही क्रिएटर्स इसका ये सेकंड पार्ट भी रिलीज कर चुके हैं। अब जून में रिलीज हुई द नाइट मैनेजर पार्ट 2 में हम शान को शैली के डेंजरस कैसल में और डीपली घुसते हुए देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट पार्ट की ही तरह ये सेकंड पार्ट भी एक अच्छी स्टोरी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट तो करता है, लेकिन अभी भी इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स थोड़े से ओवररिटन या फिर कहें कि थोड़े आउट ऑफ द प्लेस फील होते हैं। लेकिन इस वीक पॉइंट के लिए मेकअप करती है द नाइट मैनेजर की हाई प्रोडक्शन वैल्यू और इंटेंस स्टोरी, जो किसी भी मोमेंट में थ्रिल का डोज तो भैया कम नहीं होने देती है। तो भैया, अगर सीरीज का फर्स्ट पार्ट तुम्हें पसंद आया है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाओ और जाकर इसका सेकंड पार्ट भी एंजॉय करो। तो नंबर 5 पर है टीवीएफ की एक हार्टफेल्ट कॉमेडी वेब सीरीज का नया सीजन, ये फैमिली सीजन 2। तो ये नया सीजन हमें एक नई मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में लेकर जाता है और फर्स्ट सीजन की तरह ही फैमिली इमोशंस एंड मोमेंट्स ऑफ जॉय को एकदम रियलिस्टिक और एंटरटेनिंग वे में दिखाता है। दोस्तों, सीजन 2 में एकदम नए कैरेक्टर्स का आना शायद कुछ व्यूअर्स को निराश कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर फैंस हर्षु और उसकी फनी फैमिली की वही स्टोरी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। लेकिन सीजन 2 की इमोशन वाली ब्यूटीफुल स्टोरी और रिलेटेबल कैरेक्टर्स पिछली कहानी और फैमिली की कमी कहीं भी महसूस नहीं होने देते हैं। तो बिल्कुल पहले सीजन की ही तरह ये दूसरा सीजन भी बहुत इंजॉयबल है, जिसे Amazon मिनी टीवी पर आप फ्री में पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। भाई, नंबर 4 पर इंडिया की सबसे फाइनेस्ट हिंदी सीरीज स्कैम 1992 के क्रिएटर हंसल मेहता की तरफ से एक और शॉकिंग ट्रू स्टोरी है स्कूप। इसका ऑसम प्रेजेंटेशन, स्टोरी टेलिंग स्टाइल, लीड कैरेक्टर का राइज एंड फॉल, सब कुछ आपको स्कैम 1992 की याद जरूर दिलाएगा। ये सीरीज क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जहां सिर्फ एक बैड इंसिडेंट इस रिपोर्टर की पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। देखो, स्टोरी चाहे जितनी भी ऑसम हो, उसे मैजिकल बनाता है उसका धांसू प्रेजेंटेशन, और इस मामले में सच में हंसल मेहता का कोई जवाब नहीं। चाहे स्कैम देख लो या फिर स्कूप, दोनों ही सीरीज की कास्टिंग और प्रेजेंटेशन एकदम टॉप लेवल का है। सिर्फ 6 एपिसोड के टाइम में ये सीरीज हमें जर्नलिज्म और मीडिया वर्ल्ड के अंदर तक लेकर जाती है और कहीं भी ये फील नहीं होता कि यहाँ कुछ मिसिंग है। सीरीज में कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इसके एक्टर्स की अमेजिंग परफॉर्मेंस वो सब कुछ कवर अप कर लेती है। तो अगर आप सच में कुछ अलग और असली कंटेंट पसंद करते हैं ना, तो जून 2023 में रिलीज हुई ये सीरीज आपके लिए एकदम मस्ट वॉच है। हिंदी सिनेमा शुरुआत में कैसा रहा होगा, उस समय फिल्म मेकिंग और स्टारडम की जर्नी कैसी होती होगी, वो क्लासिक ओल्ड टेस्ट फील करवाती है नंबर 3 की Amazon ओरिजिनल सीरीज जुबली। इसमें ग्लैमर, फिल्म मेकिंग और ओल्ड बॉलीवुड का जलवा सब कुछ एकदम करीब से देखने को मिलता है। ये सीरीज उन कुछ लोगों की कहानी है जो हिंदी सिनेमा वर्ल्ड में अपना नाम चमकाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। देखो, चाहे कोई भी एंटरटेनर हो, डायरेक्टर का उसको कैरी करने का तरीका, उसका एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एक एवरेज स्टोरी को भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग बना देता है। ट्रैप्ड और भावेश जोशी जैसी अमेजिंग फिल्म बनाने वाले विक्रमादित्य मोटवानी ने यह सीरीज बनाई है, और सच में इसके विजुअल्स, प्रेजेंटेशन स्टाइल और डायलॉग सब कुछ अमेजिंग है। सबसे स्पेशल है इस सीरीज के सारे सॉन्ग्स, जो आपके जरूर फेवरेट बन जाएंगे, और सबसे कमाल तो है इसमें हर एक्टर की सुपर परफॉर्मेंस जो एकदम दिल जीत लेती है। बस इस सीरीज की लेंथ आपको थोड़ा सा फील हो सकती है, बाकी सब कुछ इसमें ऑन पॉइंट है। प्राइम वीडियो पर ये सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और हिंदी सिनेमा फैंस को तो ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए।
नंबर दो पर उस कहानी का अगला भाग है जिसने वेब सीरीज वर्ल्ड में भैया आग ही लगा दी थी, और इस सेकंड पार्ट को देखने के लिए हर एक मूवी फैन एक्साइटेड था, और वो जून 2023 में हमें फ्री में देखने को मिला है। यू गेस्ड इट राइट, मैं बात कर रहा हूं असुर सीजन 2 की, जिसमें हम हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को सीजन 1 के एक्सप्लोसिव फिनाले को हैंडल करते हुए देखते हैं। इस बार मिस्टीरियस किलर असुर की तलाश कुछ ट्विस्ट के साथ एक एंडिंग नोट पर पहुंचती है। एकदम पहले सीजन की ही तरह इस दूसरे सीजन में भी रिलीजियस रेफरेंसेस, मिस्ट्री, ड्रामा और ट्रेजेडी का एक परफेक्ट मिक्स मिलता है। इसकी थीम, स्टाइल, ग्रेट परफॉर्मेंसेस, सब कुछ पहले जितना ही अमेजिंग है, बस कुछ पॉइंट्स पर स्टोरी को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच किया गया है। तो देखो, अपनी हाइप के लेवल का मजा तो इसने दिया है, तो अगर अब तक तुमने ये सीजन नहीं देखा है तो जियो सिनेमा पर जाओ और जाकर इसे जरूर एंजॉय करो। भाई टीवीएफ शायद अपनी एस्पिरेंट सीरीज के फैन से कुछ ज्यादा ही खुश है, क्योंकि पहले तो उसके एक लीड कैरेक्टर एस के सर की स्पिन ऑफ एस के सर की क्लास रिलीज हुई, और अब टीवीएफ से सभी लोगों के फेवरेट बने संदीप भैया की स्पिन ऑफ भी रिलीज हो चुकी है, और आज फर्स्ट नंबर पर वही सीरीज है टीवीएफ की, संदीप भैया। एस्पिरेंट्स ने संदीप भैया की लाइफ पर एक फुल स्टॉप सा लगा दिया था, और तब हम सभी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि फेल्ड यूपीएससी अटेम्प्ट के बाद ये बंदा आखिर क्या करेगा। तो बस उसी सवाल का जवाब आपको देगी ये नई स्पिन ऑफ सीरीज। टीवीएफ की हर क्रिएशन की तरह ये भी एक इमोशन है जो आपको बिना स्पॉइलर के एंजॉय करना चाहिए। तो टीवीएफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप इस ब्यूटीफुल सीरीज को एकदम फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। और एक बात पहले बता देता हूं कि टीवीएफ की हर क्रिएशन की तरह ये सीरीज भी एकदम दिल को छू जाने वाली है। तो भाई लोग, मेरे हिसाब से तो यही है वो इंडियन वेब सीरीज जो एकदम वर्थ वॉच है। अब तुम क्या कहते हो ये कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, सिर्फ लिस्ट देखकर भाग जाने से कुछ नहीं होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सच बता रहा हूं, धांसू मूवीज और वेब सीरीज के जरिए तुम्हारा जीवन एकदम रंगीन कर दूंगा। अब ज्यादा फील में मत आओ, लेफ्ट में पिछला पार्ट है, जाके उस वीडियो को देखो। आज के लिए अलविदा, फिर मिलूंगा एक और करारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।